कौन सी एक चीज़ है जिसकी वजह से एक औरत अब्यूसिव सिचुएशन छोड़ के नहीं जाती माशरा उसके आस पास के लोग क्योंकि उसे ये पता होता है कि वो किन हालात से गुज़र रही है किन मुश्किल से गुज़र रही है लोगों को भी पता होता है ऐसी बात नहीं कि उन्हें नहीं मालूम उन्हें सब मालूम होता है लेकिन वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उसे भी यही मशवरा देते हैं कि आप भी अपनी आंखें बंद कर लें आप सुन हो जाए कुछ नहीं हो रहा जैसा भी है बच्चों का बाप है तो हमारा माशरा हम हमारे यहाँ औरतों को ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि वो अपने लिए कोई फ़ैसला कर सकें बच्चे माँ के लिए एक हर्डल बन जाते हैं जबकि उनको माँ की स्ट्रेंथ होना चाहिए वो फिर बेचारी कश्मकश कश्म में लग जाती है कि लोग जो कह रहे हैं वो सही है या जो मेरा दिल कह रहा है वो सही है तो कभी भी वो फ़ैसला नहीं कर पाती वॉट इज़ योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ वायलेंस इन योर हाउस आपको कुछ याद है बचपन से आपको कब आपने रियलाइज़ करना शुरू किया कि घर में झगड़े हो रहे हैं मारपीट हो रही है आई थिंक आई वॉज़ अबाउट फोर और फाइव ईयर्स ओल्ड और मुझे ये अच्छे से याद है कि हमारे जो घर की चीज़ें हैं वो बिखरी होती थी हर वक्त अगर मैं सुबह नींद से उठ रही हूँ तो हमारी घर की जो चीज़ें हैं वो फर से पड़ी नहीं हैं कप टूटे हुए हैं ग्लास टूटे हुए हैं और उसको देखे तो मुझे आइडिया होता था कि शायद रात में फिर से लड़ाई हुई है और बाबा ने चीज़ें उठा के फेंकी हैं मामा के ऊपर और उसके अलावा घर आना बाबा का और घर का जो माहौल अचानक से टेंस हो जाता है वो एक जो मेमोरी वो मेरे माइंड से कभी नहीं गई अब भी मुझे अगर मैं इस बात बात के बारे में सोचूं कि माय फ़ादर इज़ कमिंग इन द हाउस तो मेरा जो एक माहौल होता है आई थिंक वो एक टेंस अप हो जाता है क्योंकि वो घर में आते थे किसी न किसी छोटी बात के ऊपर शोर मचाना फिर लड़ाई शुरू कर देना और फिर से वही पूरी क्लॉक दोबारा रिवाइज होती थी कि चीज़ें नीचे गिरी हुई हैं और रात को अगर मैं सो भी रही हूँ तो मुझे नींद में से अचानक से मैं उठ रही हूँ क्यों क्योंकि घर में लड़ाई दोबारा हो रही है और चीज़ें फेंकने की आवाज़ें गिरने की आवाज़ें बाबा की चीखने की आवाज़ें आई कुड हेयर माई मॉम क्राइंग और स्क्रीमिंग फॉर हेल्प तो दीज आर सम ऑफ़ अर्लीस्ट मेमोरीज दैट आई हैव और आप सबसे बड़ी थी भाई बहनों में जी आई तो वट वट अबाउट योर यंगर सिबलिंगस उनका आपके साथ क्या रिलेशनशिप और किस तरह का रोल होता था मेरा जो एक बेसिक मकसद होता था वो ये था दैट आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देम जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही थी जो प्रेशर मैं अपने दिमाग पे फील करती थी मैं चाहती थी कि क्योंकि वो मुझसे छोटे थे तो आई डेंट वॉन्ट देम टू फील द सेम थिंग क्योंकि उनके मूड से हम जज करते थे कि आज वो अच्छे मूड में आए हैं या आज वो बुरे मूड में घर आए हैं और जब मुझे लगता था कि आज उनका बुरा मूड है एंड वी यूज़ टू सेंस के अब कुछ होगा तो मैं अपने भाई को अपने रूम में ले जाया करती थी आई हैड टेलीविजन इन माई रूम उसको तेज़ आवाज़ में कभी कार्टून्स लगा दिए कभी कोई ऐसा शो लगा दिए कि जिससे उसका भी ध्यान बढ़ जाए और मेरा अपना भी ध्यान बढ़ जाए और हम आंखें बंद करने के बाहर क्या हो बाहर है। जो पूरी नॉइज़ थी उसको शट आउट करने का कर ये आप लोग का एक सेफ़ स्पेस बन जाती थी एक्जैक्टली exactly. और जब आप देखती थी कि बच्चे इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और घर का ये माहौल है तो आई मीन यू आर ऑल्सो वेरी यंग एंड एक्सपीरियंसिंग सो मच आपके दिल पे क्या गुजरती थी कभी आपको लगता था कि बस मुझे निकलना है यहाँ से लेके बच्चों को उस वक्त तो आई वॉज़ वेरी यंग मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किस तरह निकलूँ मैं अगर निकलूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी मुझे कौन सपोर्ट करेगा बच्चों का क्या होगा और uh, obviously, मैं मुझे बहुत बुरा लगता था कि आई यूज टू थिंक कि माई चिल्ड्रेन आर गोइंग टू ग्रो अ ब्रोकन मुझे लगता था कि शायद uh, मेरी बेटी कभी बड़ी होकर ये कहेगी कि मुझे शादी ही नहीं करनी क्योंकि मर्द सारे एक जैसे होते हैं मैं uh, uh, जब इनको लेके बाहर निकलती थी वॉक वगैरह करने के लिए तो मैं लारेब से बातें बहुत करती थी तो मैं उसको समझाती थी कि बेटा ऐसा होता है कोई बात नहीं अली को अपने कमरे में ले जाया करो उधर बैठा करो आप है ना स्नैक्स भी ले जाया करो वहीं आप स्नैक्स भी खा लिया करें और कोई बात नहीं थोड़ा मैस होगा हम बाद में क्लीन कर लेंगे एंड यू वर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज इट फॉर हर कि बस वो किसी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें और शील्डेड रखे बिल्कुल आपने कभी अपनी फैमिली से पूछा उनसे सपोर्ट मांगी जी जब फर्स्ट टाइम ये इंसिडेंट हुआ था आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग ला रही एट दैट टाइम और उन्होंने मेरी अम्मी को बुलवाया और मेरी अम्मी आई और मेरी अम्मी को जब सारा सिनेरियो पता चला एंड शी न्यू दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग उसने पहले के जो टेप रिकॉर्डर होते थे तो उसके पीछे जो वायर होते थे ना उससे उसने मुझे मारा था एक्चुअली और उसने मुझे ड्रैग किया था अपनी बहन की बात पर तो उस वक्त मेरी अम्मी ने आकर मुझे सिर्फ ये कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं या तो नेटी जेटी में जाके छलांग लगा दो या तो ऐसी जगह चली जाओ जहाँ पे तुम हमें सारी ज़िंदगी पे नजर ना हो उन्होंने इतना एक डर डाल दिया था कि इसके आगे आपकी कोई लाइफ नहीं है कोई लाइफ नहीं है उन्होंने मुझे कहा था कि बिकॉज माई फादर वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड तो उन्होंने कहा था कि देर इज़ नो सपोर्ट सो डोंट काउंट ऑन इट डोंट एक्सपेक्ट आस के हम आके बचाएंगे नो no. उसके बाद तो फिर यू नो वी मूव टू स्टेट्स और जो है फिर उसके बाद वो तो चीज़ें ज़्यादा खुलने लगी लेकिन बात वही थी कि आई नेवर हैड माई फैमिली सपोर्ट के मैं उनसे बात करूँ उसके बाद वैन वी केम बैक फ्रॉम यू एस ए लारी भी काफ़ी बड़ी हो गई थी अली भी था तो आई आस्ट माई मदर आई वेंट टू माई हाउस लाइक ट्वाइस और आई आस्ट फॉर हेल्प आई सेट प्लीज हेल्प मी दिस इज़ गोइंग सम वेर एल्स नाउ अब ये चीज़ मेरे बच्चों पर आने लग गई है क्योंकि ही स्टार्टेड हिटिंग ला और वो इसको मतलब इसके जहन में जो वो शक डाल रहा था क्योंकि वो इसको इसके फ्रेंड्स के पास नहीं जाने देता था उनको विजिट करने नहीं देता था प्लस ये अगर बैठी है तो कहेगा बैठी क्यों हो घर में कोई काम नहीं है आपको हालांकि वो शीस वेरी स्मॉल वो कपड़ा उठा के ये डस्टिंग में लग जाती थी अब उनको दिखाने के लिए शी वो दर्क एक बस अब्यूसिव एक अजीब सा माहौल घर में रखा हुआ था सब टोस पे हो और हाँ जी बिल्कुल इफ़ आई एम सिटिंग एंड रीडिंग नॉवल तो वो मुझे आके पहले सवाल ये होता था खाना बन गया घर का काम हो जान बोझ जान बुझ करना करना तो वो फिर मैंने अपने घर वालों से दो से तीन बार में गई और मैंने हेल्प मांगी एंड दे वॉट दे वुड कॉल हिम बिहड माई बैक और उसको उसको कहते थे किसको आके ले जाओ एय आई वॉज लाइक like, ठीक है अब मतलब नहीं है तो नहीं है क्या किया और उनके सामने भी आप लोग की इज्जत इतनी यानी ज़मीन में डाल दी ना कि बस आके ले जाओ हमारे सर से ही बोझ हटाओ जी बिल्कुल नारेब आपको उस वक्त क्या फील होता था आई मीन एज यू वर ग्रोइंग ओल्डर तो डिड इट अफेक्टिव इमोशनली वॉचिंग दिस आई स्टिल रिमेम्बर क्योंकि वो बहुत ऊंची आवाज़ में बात किया करते थे जब भी hmm. वो गुस्से में होते थे अगर वो गुस्सा किसी और के ऊपर भी है तो वो घर पे आके हमारे ऊपर निकालते थे तो आज भी हालांकि मैं आई एम ट्वेंटी फोर ईयर्स ओल्ड नाउ आई एम वर्किंग आई एम स्टडियंग लेकिन आज भी आ, मैं किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर कोई मज़ाक में भी ऊंची आवाज़ में मेरा नाम ले ले आई स्टार्ट शिवनिंग तो बचपन से लेकर अब तक वो जो एक एनजाइटी डेवलप हो गई है कि अभी घर पे आके वो डांटना शुरू कर देंगे अभी किसी बात पे वो पूछ लेंगे मुझसे yeah. अभी वो मुझे आके ये कह देंगे कि बर्तन क्यों नहीं धुले हुए ये काम क्यों नहीं हुआ हुआ आज भी अगर हालांकि नाउ माय लाइफ इज़ रियली नाइस मुझसे कोई नहीं पूछ रहा कि बर्तन क्यों नहीं धोए लेकिन अब भी अगर रात को मैं कोई काम किए बिना सो जाती हूँ तो मुझे पूरी रात एक बेचैनी सी रहती कि मैंने ये काम नहीं किया सो इट लेफ्ट स्कार्स बहुत एक इमोशनल ट्रॉमा अभी तक उसके आपके अंदर रूट्स हैं राइट एग्जैक्टली स्टिल मुझे अक्सर ऐसा फील होता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दैट शाउटिंग ऑल दैट ट्रामा जो मैंने अपनी अम्मी के ऊपर भी होते हुए देखा मुझ पर काफ़ी वो बाद में आया था लेकिन बचपन से क्योंकि वो मैं होते हुए देख रही थी तो आज भी द आइडिया ऑफ लिविंग विद मैन द आइडिया ऑफ मैन दम मी क्योंकि ये जो एक वायलेंस देखना बच्चे के लिए बहुत टाइम तक उसके अंदर इसके स्कार्स uh, रहते हैं ना लोगों को लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता okay, लेकिन ऐसी में एक बच्चे को रहना और फिर बड़े होना well. exactly. और आमतौर पर हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आफ्टर डिवोर्स बीवी का क्या हुआ hmm. और हजबेंड uh, का क्या हुआ दूसरी शादी हुई नहीं हुई yeah. बहुत कम ऐसा होता है कि हम उन बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं जो एक पूरी ज़िंदगी के लिए एक ब्रोकन फैमिली का शिकार हो जाते हैं yeah. उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि मेरा बाप है मेरी माँ के साथ गलत कर रहा है लेकिन hmm. वो एक आइडिया जो हमारे माइंड में कि है तो बाप और बचपन से क्योंकि देखा ही यही था तो मेरे माइंड में बाप की इमेज यही बन गई थी कि वो मारते हैं, हैं हाँ। और वो गुस्सा करते हैं वो बार बार सवाल पूछते हैं तो जब बाहर जा कर इंटरेक्ट करना शुरू किया दूसरों के फादर्स को देखा दूसरे मर्दों से जब इंटरेक्ट करना शुरू किया तब जाके थोड़ी सी ये रियलिटी ब्रेक होना शुरू हुई थी कि नहीं द थिंग विच आई ग्रू अप विद दैट वॉज नॉट नॉर्मल सो वॉट वॉज द ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर यू आपने किस पॉइंट पर जाकर डिसाइड किया कि नहीं अब बस बहुत हो गया अब मुझे निकलना है क्योंकि रेलेटिव और फैमिली की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं था सो यू न्यू जो भी करना है मुझे खुद ही करना है लोडेड गन हमारे घर में हर वक्त रहती थी उस पर एक लॉक जहरी बात है गन पे जो होता है वो रहता था बट ही टुक द लॉक ऑफ ट्वाइस और उसने मेरे मुंह पे तकिया रख के और गन रख दी थी दो बार तो मुझे था कि ये मुझे किसी दिन मुझे इसने अगर मार दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा प्लस जो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे वो घर तक आ गए थे काफ़ी हद तक उनकी एक गर्लफ्रेंड होती थी वो हमारे घर आ जाती थी और वो बाहर जाकर फिर वो लड़ाई हाँ और वो बाहर जाकर उनसे वो कोई और बात करती थी उसकी वजह से मेरे घर पे लड़ाइयाँ होती थी mm. उसकी वजह से मैं मार खा रही थी फिर मैंने कहा कि अब बस इनफ 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 इज इज आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर

Hmm. तो उस वक्त भी आई वॉज वर्किंग लेकिन मेरे लिए स्टेप लेना बहुत मुश्किल था क्योंकि कराची में रहते हुए उस शख्स से का मुझकल. सोचना भी इट वॉज नॉट पॉसिबल क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वगैरह का भी सीन था मुझे ये था कि अगर मैंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना है तो मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा राइट right. तो उसके लिए आई लेफ्ट यस uh, yes, ये कुछ आपकी लाइफ <coughs> के ऐसे मोमेंट्स होते हैं और दिन होते हैं कि आप जितना भी उनको अपनी मेमोरी से निकालना चाहें दे स्टिक विध यू थ्रू आउट योर लाइफ और एक रात पहले रात को बहुत लड़ाई हुई थी घर के अंदर और वही मार पीट चीज़ें फेंकना बहुत कुछ लेकिन क्योंकि हमने उसको अपने लिए नॉर्मलाइज कर लिया था नेक्स्ट डे हम उठे हम सब स्कूल चले गए अम्मा वॉज ऑल्सो टीचर इन माई स्कूल मुझे अम्मा की कॉल आई इन द स्कूल ऑफिस के यू नो जस्ट से गुड बाई टू योर फ्रेंड्स और uh, हम आज ही यहाँ से निकलने का प्लान कर रहे हैं और हम आज चले जाएंगे एंड एट दैट मोमेंट मिक्सड फीलिंग्स थी क्योंकि एक तो मुझे ये डर भी था कि हम कैसे ही जा सकते हैं हम जा hmm. सकते भी हैं हम किस तरह ही जाएंगे ना इस कहाँ जाएंगे और कहाँ जाएँगे yeah. और एक दिन में हम तैयारी किस तरह करेंगे इनसे दूर भागने की क्या होगा लेकिन एक जो छोटा सा पार्ट था आई वॉज ऑल्सो रिलीफ कि अगर तो हो जाता है सब कुछ ठीक अगर तो हम वाकई इस चीज़ से निकल जाते हैं तो मे बी हैव अ गुड लाइफ है तो वो जो कॉन्वर्जेसन थी मेरी अम्मा की उस स्कूल के ऑफिस में खड़े होके उन्होंने कहा कि आप वैन वाले के साथ घर मत जाना मैं खुद आपको लेने आऊंगी एंड मेरे दो छोटे भाई भी उसी स्कूल में थे तो शी टोल्ड मी कि जस्ट डोंट गो होम एंड आज यू नो वी आर टेकिंग द स्टेप एंड वी हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम आई वाज इन क्लास 9 छोटी थी बहुत यू वर जस्ट 13 hmm. yeah.

और हमने किसी को भी नहीं बताया था कि हम कहाँ हैं और कितने गट्स चाहिए होंगे आपकी तरफ से टू टेक सच अ बिग स्टेप स्टेपीन फोर्टीन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स टू गेट टू दैट स्टेज जहाँ पे आपको पता था कि सिर्फ मैं हूँ मेरे बच्चे हैं और हमारे पीछे कोई नहीं है और हमें बस भागना है हाँ जी हम दो दिन गेस्ट हाउस में रहे और गेस्ट हाउस से इस्लामाबाद और थोड़ी देर रोई और उसके बाद हमने पहले तो क्योंकि हमें कोई ट्रेन नहीं मिल रही थी

कॉन्टैक्ट हुए थे और जिन्होंने हमें कहा था उन्होंने कहा कि हम आपको घर वगैरह दिखा देते हैं आप रेंट कर लें अभी मतलब हम चीपर रेंट पे जाएं आप ताकि काम वगैरह जब सेट होते होते होगा सारा एंड आई जस्ट वांट टू सीखी हियर कि यू नो आपने बहुत अच्छे से स्ट्रेटजाइज की हुई थी हर चीज़ एंड आई थिंक यू नो पीपल हु आर एंड सिचुएशन उनको ये वाली चीज़ बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये नॉलेज कभी कभार ऐसा होता है कि बिकॉज हमारी सोसाइटी में वो स्ट्रक्चर नहीं है और वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है अपने लिए एक स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए फाइनेंशियली एक कॉन्टैक्ट इस तरह से आपने अभी बोला कि कोई सेफ जगह हो जहाँ रुक सकें समटाइम्स इट्स नॉट सिंपली पॉसिबल कि आप अगले दिन ही निकल के चले जाएँ सो दैट होल रूट इज़ सो इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्राम अल्लाह ताली की मदद भी इस तरह से आई कि जिस जिस टैक्सी में हम आ रहे थे स्काई लाइन से हम टैक्सी में बैठे हमने कहा भाई आप हमें किसी अच्छे से होटल ले जाए yeah. हमें वहाँ ठहरना है और वो खुद ही वो उस होटल ले गया वो होटल वाले भी बहुत अच्छे थे और उसके बाद हमारे जो कॉन्टेक्ट्स थे उनसे हमने कॉन्टैक्ट किया उन्होंने जो है कहा कि ठीक है आप आ जाएँ बारह गहू में हम पहले शिफ्ट हुए उन्होंने हमें घर दिखाए वहाँ हमने घर ले लिया घर लिया उसके बाद मैंने कहा कि चले जी अभी अभी आज़ादी मिली है तो उसको इन्जॉय किया जाए तो एक हफ्ते तक तो हम सिर्फ घूमते रहे

एक हफ़्ते के बाद फिर हमने पूरा एक हफ़्ते का सिर्फ ये ब्रेक लिया कि अब हमें आराम करना है एक हफ़्ता क्योंकि हम थक गए घूम घूम कर और उसके बाद फिर हमने कहा कि अब मैंने फिर इन बच्चों को बिठा के कहा कि अब मम्मा जॉब अप्लाई करेंगी और आप लोग भी स्कूल जाएं और अब हम मतलब नॉर्मल लाइफ अब शुरू कर दें यू मूव आउट ऑफ दैट हाउस और आप अब यहाँ आ गई थी तो वॉट वॉज इट लाइक इट वॉज़ कैरी क्योंकि पूरी लाइफ मैंने कराची में गुजारी थी कराची में हमारी फैमिली मेरे फ्रेंड्स एक डेली की लाइफ बनी हुई थी कि स्कूल जाना है और ये क्लास है टीचर्स मेरे बहुत सपोर्टिव थे इस्लामाबाद आने के बाद पहले तो जिस घर में हम शिफ्ट हुए थे हमारे घर में सामान नहीं था yeah. क्योंकि हम ख़ाली हाथ इस्लाम आए थे हमारे घर में कोई सामान नहीं था ना खाने के बर्तन ना बैठने के लिए सोफ़ा ना सोने के लिए बेड स्क्रैच से उन सब चीज़ों को जमा करना इट वॉज़ रियली हार्ड एक जो मेंटल स्ट्रेस था कि वहाँ से तो निकल आए हैं लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा उस तरह की लाइफ होगी नहीं होगी स्कूल कभी जाएंगे नहीं जाएंगे लेकिन फिर जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली दिमाग को हमें एक ये बात तो यकीन हुई है कि ही इज़ नॉट कमिंग आफ्टर एस अब वो यहाँ नहीं आ सकते हमारे पीछे yeah. क्योंकि यहाँ आने के बाद भी मुझे मुसलसल यही डर था कि ही विल फाइंड एस एंड ही विल कम एज वेल एंड फॉर I have actually to get over that anxiety of hers. I actually went to police department. उस वक्त यहाँ पर जो deputy commissioner थी वो एक female थी और मैंने यहाँ पर हर जगह हर department police department में मैंने बड़े से बड़ी जगह आपे application जाके दे दी थी कि if I give a call, you guys have to come and help me right away. मैंने वो पूरी जो सारा सिनेरियो वो उस एप्लीकेशन में लिख के एंड आई हैव गिवन एप्लीकेशन इन एवरी डिपार्टमेंट एंड आई कॉल मेरी ये सिचुएशन है एंड आई नीड हेल्प राइट अवे जी एंड आई कॉल्ड हिम आई सेड यू डेयर एंड स्टेप फुट इन इस्लामाबाद आप देखो कि आपको अगर मैंने अड्डे से ना उठवाया तो मुझे बोलना आप कराची का कहते हैं आप इस्लामाबाद आके मुझे एंड इमेजिन अ सेइंग दैट इमेजिन कि उसने इतनी चीज़ें अपने इर्द गिर्द जमा कर ली थी द गट्स राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट द गट्स बट ला जब वंस यू गाइस सेटल्ड थोड़ा सा चीज़ें आ गई घर नॉर्मली चलना शुरू हो गया डिड यू फील लाइक कि एक जो बर्डन था चेस्ट पे वो रिलीव हुआ हो एग्जैक्टली uh, exactly. मुझे वो जो 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 एक पर्सनलिटी में चेंज होता है वो मुझे फ़ील होना शुरू हुआ आई वॉज़ मोर रिलैक्सडन बिफोर पहले मैं मुसलसिल डरी हुई रहती थी कि अब कुछ होगा अब कुछ होगा लेकिन आफ्टर कमिंग हीर एटलीस्ट आई वॉज मैंटली रिलैक्सड के अब कोई आके चीखेगा नहीं हमारे ऊपर आई नो के माई मॉम इज़ हैप्पी वी आर सेफ़ क्योंकि हर वक्त डर के साथ साथ हमें हमारी सेफ्टी का डर था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है एटलीस्ट ओवर हेयर वी न्यू दैट वी आर सेफ़ टाइम yeah. बहुत आसानी से चीज़ें नहीं हो जाती आई टुक मी अबाउट सिक्स टू सेवन मंथ्स कि मैं स्कूल में नॉर्मल हुई आई स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स आई स्टार्ट ओपनिंग अप टू दैम पहले yeah. ये बात करते हुए भी मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे किसी को बताऊँ कि माई पेरेंट्स आर डिवोर्स right. जब मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि यू नो इट्स नॉर्मल इट्स फाइन इट वॉज इन माई फॉल्ट डैट दस हेपन बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे लगा था कि अगर शायद मैं ये काम ठीक करती तो ऐसा ना होता अगर मैं उस दिन ये काम ठीक कर लेती तो लड़ाई ना होती आपने अपने ऊपर ब्लेम लेना शुरू कर दिया था राइट फॉर दिशाटली लाइफ एक स्टिगमा सा है ना सोसाइटी में कि बस बाप चाहे जैसा भी हो सर पर उसका हाथ हो डू यू फील के आपके लिए ज़्यादा बेहतर था उस सिचुएशन और उस इन्वायरमेंट से निकलना या फिर डू यू फील तो के वुड हैव बीन बेटर फॉर यू टू स्टे देयर आई मीन चाहे जैसा तैसा अब फादर हो आई थिंक के इट वॉज दी बेस्ट डिसीजन जो मेरी अम्मी हमारे लिए ले सकती थी और आई नो कि स्टार्ट में डर था इस बात का ऐसा नहीं कि नहीं था ये डर था कि क्या होगा हाउ कैन वी लिव विदाउट अ फादर क्योंकि हमने कभी सुना नहीं था देखा नहीं था कभी किसी ने इस बात को सपोर्ट नहीं किया था तो तब ये डर था कि हम किस तरह ही रहेंगे बिना बाबा के उन कुछ सालों की वजह से आई स्टिल हैव एनजाइटी जिस आई एम डीलिंग विद एवरी डे तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप अपने बच्चों को एक सुकून सिक्योर माहौल दें इंस्टेड कि वह कभी उसे फ़ादर के साथ रहें सिर्फ उसके साये की खातिर सिर्फ उसके नाम की खातिर इट्स बेटर इफ़ यू लीव बच्चों के लिए एक माँ जो होती वो क्लोज़ होती है अगर बच्चे ये देखते हैं कि उनकी माँ तकलीफ़ में वो ऑटोमेटिकली तकलीफ़ में आ जाते हैं अब yeah. yeah. totally um, आपको शेयर um, करना है कि अब आपकी लाइफ कैसी है एंड श्योर वाई नॉट एक्चुअली आई गॉट री मैरिड अल्हमदुल्ल सलेमान इज़ अ वेरी गुड हजबेंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव इसीलिए तो मैं आज आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ ही नोज़ वेर आई एम वॉट आई एम डूइंग माशा अलहमदुल्ला ही इज़ वेरी गुड विद चिल्ड्रन इवेन दो के ही वॉज़ अ बैचलर शादी उनकी नहीं हुई हुई थी पहले बट ही हैज़ एक्सेप्टेड माई चिल्ड्रेन एंड मी एज इट इज़ Uh, अभी भी वो कभी कभी मजाक में कहते हैं लारिब नज़र नहीं आती कहते हैं मेरे जहेज़ का हिस्सा कहाँ गया <laughs> <laughs> uh, और लाइफ इज़ अलहमद वेरी गुड लोग अगर ये सोचते हैं कि uh, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो औरतें सिर्फ रोती रहती हैं और uh, खामोशी से कोने में बैठ जाती हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आई एम वर्किंग और मैंने अपनी जो है वो स्टडी भी परसू की है आई एम डूइंग माई एम एफिलहमद लाशा चिल्ड्रेन आर माशा फ्लरिशिंग वो भी बहुत खुश है अपनी हंसी मजाक बातचीत वो भी है अलहमद लाईव चिल्ड्रेन सुलेमान माशा तो माशा सितारों से आगे जहाँ और भी है